तो गाइस आज बाइक लाना हो गया महंगा बढ़िया। आज मुझे बाइक लाना क्योंकि अब मुझे ध्यान भी नहीं रहा, अब जो पेट्रोल खत्म हो गया और मुझे पेट्रोल डलवाना ध्यान भी रहा, बाइक में से पेट्रोल निकाल के दे रहे। बस 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 इतना बहुत है। मैं तो देखते हैं कि पहले थोड़ा इतना तो डाल लिया, इतना और डालता हूँ, देखते हैं जितना यह मंगाया था। बस भाई तो गाइस ये देख रहे हो बजट उतना ही चलाऊंगा। ये भाई देख रहे हो मदद करने आए थे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैंने इनसे कहा भाई भर दे बोतल, तो ये कह रहे इतनी नहीं भरी जाती बोतल। गाइस आज आप देख रहे होंगे कि मैं कहां से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। सो गाइस आज ब्लॉग मेरा यहां से स्टार्ट है क्योंकि मेरी शेव बड़ी हो रखी थी ना, तो मैं शेविंग करवाने आया था और शहजाद है नहीं फिलहाल, तो मैंने सोचा मैंने कहा थोड़ी सी मालिश करवा लूं बालों की, बाल भी बड़े हो रहे हैं और थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो शेविंग वगैरह करवाने के बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों को। गाइस अभी फिलहाल ना टी शर्ट को इग्नोर मारना क्योंकि कल वाले ब्लॉग में भी मेरी यही वाली टी शर्ट थी, ये मैंने फिलहाल अभी इसलिए नहीं चेंज की क्योंकि मैं शेविंग करवा रहा हूँ। इस पे बाल गिरते हैं ना शेव वगैरह करवाते टाइम, तो मैंने सोचा कि शेविंग करवाने के बाद ही चेंज कर लूँगा टी शर्ट, तो इस वजह से मैंने चेंज नहीं किया अभी टी शर्ट, तो बाद में कर लूँगा चेंज। बाल देखो मेरे कितने बड़े हो गए। शहजाद भाई का कुछ अता पता नहीं है अभी फिलहाल, शहजाद भाई है कहाँ, अभी आधे घंटे का टाइम दिया उन्होंने मुझे, आधे घंटे बाद कह रहे हैं कि मैं आधे घंटे बाद ना आऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है इतने मैं मालिश वगैरह करवाता हूँ फिर आप आ जाओ आधे घंटे बाद, फिर उसके बाद शेविंग करवाऊंगा। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस अब शेविंग करा के देखो एकदम चमकदार एक नया लुक आ गया। सो गाइस आज मैं हो गया बहुत ज्यादा लेट, कैसे हो गया कि आज जब मैं सुबह सुबह जिम गया ना, तो जिम से मैं आया लेट और लेट आने के बाद मैं आके सो गया और सोने के बाद मैं उठा बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि रात असल में ऐसा हुआ रात में जब एडिटिंग कर रहा था ना, तो एडिटिंग करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गई थी मुझे, तो इसलिए मैं लेट ही सोया था और लेट ही सुबह को उठा हूँ। मेरी तो गुड मॉर्निंग हो रही है लेकिन आपका गुड आफ्टरनून हो रखा है। तो गैज असल में ऐसा है, अब मैं ऑफिस तो जा नहीं रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मैं शेविंग वेविंग करा के आ गया, अब थोड़ा सा फ्रेश सा हो गया ना, और मैं सोच रहा हूँ अब यार ऑफिस जाने का तो टाइम बचा नहीं है, अब थोड़ा बहुत इधर घूमने के लिए निकल जाते, तो मैं भी सोच रहा हूँ फिलहाल अगर मुझे एक प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी चार पाँच दिन पहले भी मैंने अपनी गाड़ी में चेक करवाई थी, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी एसी में, वो सही हो गई थी लेकिन फिर उसमें से दोबारा आने लगी, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार उसे भी चेक करा लेता हूँ, अगर अभी मैकेनिक मिल जाता है और अगर नहीं मिला तो फिर मैं वहीं के वहीं घूमने के लिए निकल जाऊँगा और थोड़ा बहुत घूम के आएंगे आज, मतलब थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देंगे, थोड़ा घूमेंगे आज ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त विकेट सनी। और गाइस फिलहाल मेरा जिम करने का मोटिव ये है कि इसलिए मैं जिम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जिम का टाइम लग तो नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी जिम कर रहा हूँ, जिम इस वजह से कर रहा हूँ मेरे गाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा मोटे ठीक है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ ना खाना पीना शुरू कर देता हूँ तो मेरे गाल मोटे हो जाते हैं और यार फिर वो कैमरे में बड़े अजीब से लगते हैं गुल्लू गुल्लू थे, और वो गुल्लू गुल्लू वाला लुक मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा वो मस्कुलर वाला लुक पसंद है, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज अब थोड़ा दबा के कर रहा हूँ एक्सरसाइज। तो गाइस फिलहाल डीजल डलवा लेते हैं गाड़ी में, क्या डीजल नहीं है पहले ना, मुझे ये जो भाई है ना ये इससे भी डीजल नहीं डलवाता था, मैं इसे कहता था कि ये फ्रॉड है पहले मैं यार इसे ये कहता था कि ये फ्रॉड है, लेकिन नहीं यार सही है, लड़का भी मजाक करता था, गाइस ऐसा कुछ भी है ठीक है चल ठीक है। मौसम ना इतना ग्रेट हो रहा है आज, बहुत ही लाजवाब मौसम हो रहा है, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं कि गाइस बीस्ट रिलीज होने वाली है, बीस्ट का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कब रिलीज होगी, एक मूवी आ रही है इंग्लिश मूवी बीस्ट और उसमें लायन दिखाया है, लायन इतना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही लाजवाब उसका ट्रेलर लगा मुझे और बहुत ही अच्छी, मतलब उसमें जो एक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेमस एक्टर है हॉलीवुड का, तो गाइज वो कल रिलीज़ हो रही है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए, बीस्ट को देखने के लिए, तो गाइज आप लोग भी देखना ज़रूर, कसम से बहुत लाजवाब मूवी होगी, मैं प्रमोशन वरमोशन नहीं कर रहा कभी, आप सोचे प्रमोशन कर रहा। तो गाइज अपने शहर में ना कोई ऐसी वैसी जगह तो है नहीं कि जहाँ पर हम घूमने और चिल आउट करने के लिए चले जाए, तो दो चार जगह है वहीं पर आ जाते हैं, वहीं पर थोड़ा बहुत घूम लेते हैं खा पी लेते हैं,
वही अपने लिए बेस्ट है। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ KFC पे, ये सामने KFC है, KFC पे आया हूँ। तो KFC पे मैं खाने आया हूँ, आज मेरा मन कर रहा है आज चिकन विकन खाने का। गाइस अभी ना इतनी ज्यादा भीड़ थी ना KFC में, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मैं अभी रुका नहीं वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तो मैंने जो भी कुछ लेना था अपना पिज्जा विज्जा वहीं पे खा लिया थोड़ा बहुत। और मुझे, मैं ये आपको बॉटल दिखा रहा हूँ, ये बॉटल देखो आप कितनी सही बॉटल है ये यार, ये कितना बढ़िया शेक है ना ये टूटी फ्रूटी का, सही में मुझे बड़ा ही बेहतरीन लगा ये कसम से। इसका तो टेस्ट लाजवाब है, आप जरूर ट्राई करना इसे एक बार मुझे। और इसकी जो पैकेजिंग है ना, ये बॉटल है ना, जो बहुत ही लाजवाब लगी मुझे। बरसात स्टार्ट हो गई है, बादल देखो एकदम ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं सामने। ये जो मैंने शेक की बॉटल ली थी ना, कसम से भाई ये मैंने आधी पी है और पेट भर दिया इसने मेरा, लेकिन मस्त है जो भी है, मस्त है। सो गाइस जब अभी मैं घूम फिर के घर आया ना, तो मुझे गाड़ी में ना प्रॉब्लम नजर आई। प्रॉब्लम क्या नजर आई, अभी 3-4 दिन पहले जब मैं कार चेक करवाने गया था ना, तो मुझे AC में कुछ प्रॉब्लम नजर आई थी। जैसे मैं AC को कम कर रहा था ना, तो कम होने के बाद इसमें कुछ आवाज आ रही थी। तो गाइस ऐसी आवाज मुझे अब दोबारा से आ रही है, मतलब ऐसी थोड़ी आवाज आ रही है, वो पहले जितनी नहीं आ रही है, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी आवाज आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार गाड़ी चेक करवा लेता हूँ, ठीक है, जैसा भी कुछ होगा, जैसा भी वो बताएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो उसकी वजह से मुझे 2-3 घंटे के लिए गाड़ी यहीं पे छोड़नी पड़ेगी। तो मैं आज गाड़ी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा काम हो जाएगा गाड़ी में। तो भाई के पास असल में वो अभी बिजी है वहाँ पे, देखो अभी बिजी हो रहा है उसके पास, वो कह रहा है कि मेरे पास 2-3 गाड़ी आई हुई, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी फिलहाल मैंने अपनी कार खड़ी कर दी यहाँ पर, ठीक है, और मैं अभी थोड़ी देर में आके ले जाऊँगा। बाकी ये जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे फ़ोन पे बता देगा, जैसा भी कुछ होगा, बाकी देखते हैं। सो गाइस इस बीच में मैं व्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि फैशल भाई आ गए थे और मुझे फैशल भाई के साथ कुछ काम था, तो इसलिए मैं फैशल भाई के साथ बैठ गया था, कुछ बात कर रहा था उनके साथ काम की। और गाइज अब 3 बज चुके हैं, मेरी गाड़ी लाने का भी टाइम हो गया है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि किसी दोस्त के साथ चला जाऊँ गाड़ी लेने। तो गाड़ी ले आता हूँ मैं, देखता हूँ कि गाड़ी हुई है या नहीं हुई है, जैसा भी कुछ है वहाँ जाके पता लग जाएगा, अगर सही हो गई तो ले आते हैं, ठीक है, और नहीं हुई है तो देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल अभी मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं आगे पैदल पैदल जा नहीं रहा हूँ, इस वजह से दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आ रहा है वो मुझे लेने के लिए। तो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया अभी, ये देखो नीम का पेड़, हाँ, कितनी बढ़िया छांव आ रही है इसके नीचे खड़े होके। सो गाइस ऐसा था, मेरा दोस्त को आ नहीं पाया मुझे लेने, तो मुझे जाना पड़ रहा है ऑटो में, मैं ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ, लेकिन क्या बुराई है, ऑटो में भी मजा आता है, अलग अलग ऐसे एडवेंचर से करते रहने से मजा आता है। तो देखता हूँ कि फोन तो आया था उनकी गाड़ी हो गई, चलते हैं अब देखते हैं। सो गाइस सोवान भाई को गाड़ी दे के गया था, गाड़ी तो कर दी एक्यूरेट सोवान भाई ने, जो बात है सोवान भाई की, ये खास बात है कि मतलब इन्हें कोई काम तो ऐसा हो नहीं सकता कि काम ना करें। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि भाई दिक्कत क्या थी, हैं, ये कह रहे भाई प्रॉब्लम तो हमें नहीं। क्या दिक्कत थी? दिक्कत दूर कर दी है, हो गई सही भाई, चलो फाइनली गाड़ी हो गई अपनी सही, अब चलते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, 2-2.5 घंटे हो गए थे यहाँ पे, तो चलते हैं अपना गाड़ी लेके। तुम भी बन जाओ सेलिब्रिटी, सोफान तो बनी गया सेलिब्रिटी, तुम भी बनो अब। गाइस अभी एक भाई मिला, ये भाई मुझे जानता था, कहने लगा कि भाई आपके पास बाइक वगैरह है ना, जानते थे भाई आप? हाँ, तो वो ये जानते थे भाई, वीडियोस देखना, ठीक है, शेयर और लाइक करना, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली गाइज मैंने अपनी गाड़ी पूरी चेक कर ली, बहुत बढ़िया हो गई है, और सीरियसली काम जो बात है सुमान बहुत बढ़िया करता है, ये बात उसकी अच्छी है कि ये जो इलेक्ट्रिशियन है, मतलब मैंने बहुत से इलेक्ट्रिशियन ऐसे देखे हैं बाइक कार्स वगैरह के, कि अगर उनकी थोड़ी सी भी तारीफ करो ना तो चढ़ जाते हैं आसमान में, लेकिन ये जो है लड़का शरीफ है और काम भी बहुत बढ़िया करता है। तो पब्लिक डिमांड पे अभिषेक भैया ये सामने आ चुके हैं। अभिषेक भैया शाम के टाइम थोड़ी तराई करते, क्या करते हो अभिषेक भैया आप ये? अरे मतलब ये थोड़ा फर्श को ठंडा भी कर देता हूँ। अच्छा, और क्योंकि ऑफिस के सामने रोड ये दिखता है ना, ओके, तो इसलिए इसको भी साफ कर देता हूँ, पूरा मंदिर का भी। अच्छा, रहने दे यार, रहने दे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने अभिषेक भाई के लिए कुछ सोचा है। क्या सोचा है अभिषेक भाई के लिए मैंने सोचा है? अभिषेक भाई के पास है ज्ञान की डायरी। उस डायरी में आपको ज्ञान मिलेगा, और उस डायरी में आपको एक तरफ ज्ञान मिलेगा, दूसरी तरफ मिलेंगे अभिषेक के बहाने। तो मैं दोनों चीज आपको दिखाऊंगा, अभिषेक का ज्ञान भी और अभिषेक के बहाने भी। फिलहाल तो मैं ऑफिस पे आया हूँ, देखता हूँ कि डैडी की तबीयत कैसी है। वैसे अब तो डैडी की तबीयत माशाल्लाह से बढ़िया है, इसलिए मैं थोड़ा खुश हूँ। मेरी डैडी की जब तबीयत सही रहती है
तो बढ़िया लगता है। थोड़ा सा टाइम हम ना ऑफिस में बिताते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर पे, या घर पे या बाबा के पास जाऊंगा। बाबा बोले तो तौसीफ के पास, काफी दिन हो गया उसके पास नहीं गया, तो देखता हूँ थोड़ा टाइम लगा तो उसके पास जाऊंगा। तो गाइस मिलिए पत्रकार तौसीफ मलिक जी से। आप मास्क लगाइए सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो थूक आ रहा है मेरे हाथ पे। अभी आया हूँ मैं बाबा के पास, आज काफी दिन बाद मिल रहा हूँ बाबा से, काफी टाइम हो गया है भाई। बाबा कितने दिन हो गए? हफ्ता भर से तो ज्यादा हो गया यार, है ना? और सही तबीयत वगैरह तेरी? सो गाइस मैं पिछली बार यार मेरे साथ एक मसला हो गया था, मैं बाबा के पास जब आया था ना, तो बाबा के पास मेरे कुछ सब्सक्राइबर आए थे, मतलब सब्सक्राइबर देख लो आप कितने सॉलिड सब्सक्राइबर, मतलब मुझे ये सब्सक्राइबर बढ़िया लगते हैं, और मुझे कोई बड़े सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कोई ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम पता क्या हो गई थी, जब मैंने इनकी फुटेज वगैरह ले ली थी ना, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक साथ, अभी नहीं दिखा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, सरप्राइज तरीके से दिखाएंगे। तो पता क्या वो मसला हो गया था, मसला ये हो गया था, मैंने इनकी जो फुटेज ली थी यार, वो मेरे से पता नहीं किस तरीके से डिलीट हो गई थी, और वो मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार, और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ था ना, मैंने कहा भाई यार मैंने इनकी वीडियोस वगैरह ली, पता नहीं क्या हो गया था यार, डिलीट हो गई थी या वो मेरे से करप्ट हो गया था या जो भी कुछ हुआ था। तो आज मैं बाबा के यहाँ आया था और वही मेरे सब्सक्राइबर दोबारा आए, तो मैंने कहा भाई इस बार खैर मैं इनकी फुटेज लूंगा प्रॉपर तरीके से, और इस बार के व्लॉग में मैं इनको जरूर लूंगा, तो आप लोगों को मिलवाता हूँ मैं। ये सब मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों से बताऊँ ये बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा था पहले। तो गाइस ये इसके फ्रेंड्स वगैरह हैं सारे के सारे, और यार मैं इनकी वीडियो नहीं बना पाया था, और ये मेरे व्लॉग वगैरह देख रहे तुम? हाँ देख रहे हो व्लॉग, तुम ही देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? अच्छा क्या करता हूँ मैं ब्लॉग्स में, पहले ही बताओ। वीकेंड सनी ये लाइक करो सब्सक्राइब करो, वीकेंड सनी को लाइक करो सब्सक्राइब करो। गुड, बहुत बढ़िया। 1 मिलियन टारगेट है। 1 मिलियन टारगेट है, आपने 1 लाख तो होने थे पहले। 1 मिलियन टारगेट है, लेकिन हाँ अच्छा है 1 मिलियन टारगेट है, सही बात है। सो गाइस यार ये बच्चे ना, बच्चे क्या यार, मैं सीरियसली बताऊं यार, मुझे ये वाले सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे वो बड़े वाले सब्सक्राइबर, ठीक है बढ़िया है, लेकिन भाई गाइस मेरा खुद मन बच्चों वाला ही है। और इधर बाबा बैठा, देखो बाबा क्या देख रहा। तो यार मुझे बहुत खुशी मिलती है मतलब बच्चों के साथ। तो भाई मैं तुम्हारा पिछली बार फुटेज नहीं डाल पाया, इस बार पक्का डन, ठीक है पक्का ना? अब आगे शेयर वेयर तो करोगे सब? हाँ, सब कुछ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। चलो ठीक है ठीक है, टाटा टाटा बाय। तो गाइस काफी देर हो गई बाबा के पास, अब मैं चलता हूँ घर, क्योंकि यहाँ पर आजाद नगर में एक मेला लगा हुआ है और उसमें रास्ते में बहुत रहती है भीड़, तो इस वजह से जाना नहीं होता यार, फिर देर हो जाती है। तो फिलहाल बाबा को करते हैं टाटा नाम, ओके बाबा ये। तो गाइस मिलते हैं फिर घर पे, ठीक है। तो गाइस जब मैं बाबा के घर से आ रहा था ना, तो रास्ते में मेला लगा हुआ था, और मेले में कसम से इतना बुरा फंसा था मैं, कम से कम 2-3 घंटे लग गए मुझे उस मेले में फंसे हुए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी ना, बहुत ज्यादा। और मैं फिर आते ही नहाया धोया हूँ अपना, फ्रेश हुआ हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।